नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ऋषभ राजपूत और आप देख रहे हैं खबर हार्ट और आपका इस समय के न्यूज अपडेट्स वाली वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए ये देखा जाए कि अब तक कौन कौन से मेजर न्यूज अपडेट सामने आ रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जताई किसानों के आंदोलन करने के तरीके को लेकर आपत्ति। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत राजमार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन किसान इन पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। सभी अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं लेकिन संविधानिक कर्तव्य भी है, उन्हें क्यों भूल जाते हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में क्यों इकट्ठा होने दिया जा रहा है, पंजाब सरकार सुनिश्चित करे कि लोग बड़ी संख्या में एकत्र ना हो। वहीं हरियाणा सरकार किसान आंदोलन को लेकर फिर हाईकोर्ट पहुंची है। शंभू और खनोरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मॉडिफाइड किए ट्रैक्टरों और ट्रोलियों को इकट्ठा न होने की गुहार लगाई गई है। हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच में हरियाणा सरकार की अवरोधक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को ये टिप्पणी की। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि आधी रात को पंजाब पुलिस और किसानों में हुई झड़प। मंगलवार देर रात शंभू बॉर्डर से 5 किलोमीटर पहले पंजाब पुलिस और किसानों में झड़प हो गई, जिसमें शंभू बॉर्डर के SHO इंस्पेक्टर अमनपाल सिंह विर्क और मोहाली के SP जगविंदर सिंह चीमा घायल हो गए। दोनों को रात को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंडिया गठबंधन की बड़ी समस्याएं। इंडिया गठबंधन है बिल्कुल टूटने की कगार पे। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जो 17 सीटें प्रस्तावित की थी उसमें से वाराणसी में अपना प्रत्याशी उतार दिया है, जबकि अमरोहा और बागपत में प्रभारी देकर एकला चलो के अपने इरादे साफ जाहिर किए हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच सोमवार देर रात भी सीटों पर वार्ता हुई। कांग्रेस मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया की सीट चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ये सीटें देने को तैयार नहीं है। SP अध्यक्ष अखिलेश ने राहुल गांधी न्याय यात्रा का निमंत्रण तो स्वीकार किया, लेकिन अपनी घोषणा के अनुसार वो रायबरेली या अमेठी में इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। अखिलेश ने सोमवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि सीटों का बंटवारा फाइनल होने से पहले वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही उन 17 सीटों की सूची भी कांग्रेस नेतृत्व को भेज दी थी जो सीटें बतौर SP कांग्रेस ने मांगी थी। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने कहा कि हमने पंजाब में अकेले लड़ने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारी जीत के लिए जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 फरवरी को कहा कि दिल्ली के लोकसभा चुनाव सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस से चर्चा चल रही है। हम चर्चा में अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं, जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाएगा। पंजाब में 10 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इस पर मंगलवार को केजरीवाल बोले, इस फैसले पर हम पुनर्विचार नहीं करने वाले, हमने जीतने के लिए ये फैसला किया है। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि अन्य राज्यों में भी गठबंधन को लेकर कई दौर की चर्चा हो चुकी है, बहुत जल्द ही अन्य राज्यों में गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी PPP के बीच गठबंधन होना लगभग तय। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए नवाज की पार्टी PMLN और बिलावल की पार्टी PPP गठबंधन को तैयार हो गई है। मंगलवार देर रात दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की शर्तों पर सहमति बनी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, एक बार फिर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे, आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट पद संभालेंगे। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ समर्थित उम्मीदवार और सुन्नी एतिहाद काउंसिल केंद्र में सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत हासिल नहीं कर सके। पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल गया है, अब हम सरकार बना सकते हैं। आपको ये भी बता दिया जाए कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए थे, किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली थी। स्पष्ट बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को पाकिस्तान में 134 सीटें चाहिए, इसलिए नतीजे आने में 12 दिन बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान में किसी की सरकार नहीं बन पाई। इसके साथ ही एक बहुत दुखद समाचार आ रहा है। 91 साल की उम्र में अमीन सियानी ने अपनी अंतिम सांस ली। रेडियो की दुनिया में आवाज के जादूगर कहे जाने वाले दिग्गज के निधन की पुष्टि उनके बेटे रजील सियानी ने की है। अमीन सियानी देश के पहले ऐसे रेडियो स्टार रहे हैं जिनका बड़े बड़े फिल्म स्टार भी सम्मान करते हैं। एक जमाना था जब अपने बिना का गीत माला कार्यक्रम के माध्यम से आवाज के इस शहंशाह ने अपने नाम और काम की धूम मचा दी थी। आपको ये भी बता दिया जाए कि अमीन सयानी का जन्म 21 दिसंबर 1932 को हुआ था। तो साथियों, ये थे अब तक के कुछ मेजर न्यूज अपडेट्स। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस चैनल का कंटेंट कैसा लगता है। मैं हूँ आपके साथ ऋषभ राजपूत, देखते रहिए खबर हार्ट ताकि हम आपको इसी तरह से अपडेटेड रख सके। धन्यवाद।